हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवादा बाइकर। आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऑटो मार्केट की अपकमिंग टॉप 6 मोस्ट अवेटेड बाइक्स के बारे में, जो कि 1,00,100 प्राइस टैग के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इंडियन ऑटो मार्केट में लोअर सेगमेंट की बाइक्स का डिमांड बीते कुछ दिनों में काफी बढ़ा है। वहीं सबसे ज्यादा सेल होने वाली भी सेगमेंट यही है, इसलिए कंपनी टाइम टू टाइम इस सेगमेंट में कई नई ऑप्शंस और कई अपनी पुरानी बाइक्स की अपडेटेड मॉडल को लॉन्च करती रहती है। तो इस लिस्ट के जितनी भी बाइक्स हैं वो बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो जो भी भाई लोग आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेज करने वाले हैं, उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बाइक्स की सारी जेन्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट की 6th बाइक है बजाज कैलिबर। रेट्रो सेगमेंट में बढ़ती डिमांड और सेल को देखते हुए कंपनी अब जल्द ही इसको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में उतारने की तैयारी में है। बजाज ने अभी तक इस बाइक के बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दिया है, बट आ रही रिपोर्ट्स और लीक के हिसाब से ये बाइक 125 सीसी सेगमेंट की होने वाली है। इसका लुक रेट्रो थीम पे बेस्ड होने वाला है। बजाज आने वाले दिनों में अपनी कई नई बाइक्स को टू व्हीलर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसमें कि कैलिबर, RS125, RS400, Neuron 400 जैसे ही कई बाइक्स की अभी टेस्टिंग और प्रोडक्शन चल रही है, इसलिए आपको इस बाइक के लॉन्च में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको NS125 से सिमिलर इंजन ऑफर किया जा सकता है, बट ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। अगर कंपनी NS125 का इंजन यूज़ भी करती है तो उसको काफ़ी एयर तक ट्यून करके लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि आपको बाइक में NS125 से बेटर पावर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आ रही रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर FI एयर कूल्ड 4 वॉल्व BS6 कॉम्पैक्ट DTSI इंजन देखने को मिलेगा, जो 14 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 9500 RPM पे, और 12 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 7500 RPM पे। इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल सकता है, बट ये कन्फर्म नहीं है। अगर ABS नहीं मिलता है देन उसके जगह आपको CBS ऑफर किया जाएगा। बाइक में आपको 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा पावर और टॉर्क देखने को मिलने वाला है। इंजन स्पेक्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। इस बाइक की एक्सेलरेशन काफ़ी सही होने वाली है, साथ में ही इसका टॉप एंड भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा। कंपनी इसके इंजन को काफ़ी रिफाइन करके लॉन्च करेगी। इसमें आपको 120 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड देखने को मिल सकता है। इसका माइलेज 55 किलोमीटर पर लीटर से 60 किलोमीटर पर लीटर तक का देखने को मिल सकता है। बात करें इसके लुक और फीचर्स की, तो ये बाइक कैफे रेसर थीम के लाइनअप पे बेस्ट रहने वाली है। इस बाइक का लुक पल्सर सीरीज से बिल्कुल अलग रहने वाला है। कंपनी इसके लुक को बिल्कुल फ्रेश और अट्रैक्टिव बनाने वाली है। इंडियन ऑटो मार्केट में अभी अगर देखें तो रेट्रो सेगमेंट में बस कुछ गिने चुने ऑप्शंस देखने को मिलता है। अगर बजाज यहाँ पे 125 सीसी में शानदार लुक के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक लॉन्च करे तो कहीं ना कहीं बाइक्स के सेल को ये काफ़ी इफेक्ट करेगी। आप भी कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर ऐसा होता है तो आप किस कंपनी के साथ जाना पसंद करोगे। बजाज इसको बिल्कुल नई फ्रेश लुक के साथ लॉन्च करेगी। इसके लुक को ज़्यादा बल्कि बनाया जाएगा। ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि इसमें आपको ड्यूअल LED सेटअप देखने को मिल सकता है। इसका टेल लाइट को भी बिल्कुल नए डिजाइन में रखा जाएगा। इसमें आपको फुली LED लाइटिंग सेटअप दी जाएगी। इसमें आपको नए कलर्स और नए ग्राफिक्स ऑफर की जाएगी। इसमें आपको फुली डिजिटल कंसोल ऑफर की जाएगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैप कोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, टाइम जैसे कई सारी मेजर फीचर्स शो होती हैं। फ्रंट और रियर दोनों में आपको सिंगल डिस्क दिया जाएगा। अब बात करें फाइनली इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो बजाज इसके प्राइस टैग को थोड़ा सा कम इंड बजट ही रखने वाली है, जिससे कि बाइक अपनी कंपेटिटर बाइक्स की सेल इजीली डाउन कर सके। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 90,000 से 95,000 तक का एक्सोरूम देखने को मिलेगा। हो सकता है लॉन्च होने के बाद प्राइस टैग में आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिले और इसका लॉन्च रेट 2021 लास्ट का है, बट आप मेरे हिसाब से 2022 फास्ट तक का लेके चलना। अगर लेट भी हुई तो ये बाइक 2022 फर्स्ट मंथ तक जरूर लॉन्च हो जाएगी। हमारे लिस्ट की 5th बाइक है हीरो एक्सट्रीम 125R। सबसे पहले अगर बात करें इसके लॉन्चिंग की पॉसिबिलिटीज़ की, तो इंडियन ऑटो मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ऐसे लुक के साथ इस सेगमेंट में जो इस बाइक को टक्कर दे पाए। हीरो काफ़ी टाइम से इस 125 सीसी सेगमेंट में कई नई बाइक्स को लॉन्च करने का प्लान भी कर रही है। हीरो की ज़्यादातर फेमस बाइक्स कहीं ना कहीं लोअर सेगमेंट से बिलोंग करता है। यहाँ पे हीरो अब ट्राई कर रहा है कि अपनी बाइक्स को एक पावरफुल सेगमेंट में लाया जाए, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को ईजिली टक्कर दे पाए। तो यहाँ पे एक्सट्रीम 125R के लॉन्च होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी तक इसके लॉन्चिंग की कोई एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आई है, बट बहुत ही जल्द ये बाइक लॉन्च हो सकती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगर इसके लॉन्चिंग को लेके कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूं। अब बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI एयर कूल्ड BS6 कॉम्पलेंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 12 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और 11 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है।
ये पावर फिगर एक्यूरेट नहीं है, बट पावर फिगर आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगी। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक का रहने वाला है। इसमें आपको काफ़ी बेहतर एक्सेलरेशन ऑफर की जाएगी। अब बात करें इसके लुक और फीचर्स की, तो इसका लुक हीरो एक्सट्रीम 160R से सिमिलर देखने को मिलेगा। बाइक का लुक सेम रहेगा, बस आपको इंजन इसमें 125cc का ऑफर किया जाएगा। बाइक की वेट भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बाकी बाइक का डायमेंशन, लुक, व्हील साइज, ये सारी चीज़ें सेम एक्सट्रीम 160R से सिमिलर देखने को मिलेगा। फ्रंट सेक्शन में आपको फुल्ली LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है, जिसका लाइट थ्रो काफ़ी सही रहने वाला है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी LED मिल जाता है। रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट मिल जाएगा, जो कि बाइक को एक परफेक्ट लुक दे रही है। बाइक में आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगी। इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का एग्जॉस्ट ऑफर किया जाएगा, जिसका कि साउंड काफ़ी सही रहने वाला है। इसमें आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, बिकॉज इसका माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर से 55 किलोमीटर पर लीटर तक का रहने वाला है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सही हो जाता है। ऐसे लुक के साथ इतना अच्छा माइलेज शायद ही कोई कंपनी आपको ऑफर करे। अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस 80,000 के अराउंड एक शोरूम देखने को मिलेगा। ऑन रोड आते आते इसका प्राइस 1 लाख तक देखने को मिल सकता है। लॉन्च होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्राइस टैग में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले, बट ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं, 5,000 to 8,000 तक का ही देखने को मिलेगा। इंडिया में इसकी लॉन्चिंग देखें तो ये अभी कन्फर्म नहीं है। फिलहाल अभी हीरो के पास इसका कोई प्लान नहीं है। अगर इसका कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे लिस्ट की फोर्थ बाइक है हस्क्वर्ना स्वाट पिलन 125। इस बाइक की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। इसका प्रोडक्शन अभी बजाज की तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI लिक्विड कूल्ड BS6 कॉम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 15 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और 12 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक का रहने वाला है और इसका माइलेज 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर तक का देखने को मिलेगा। इसमें आपको सेम ड्यूक 125 का इंजन देखने को मिलेगा, बट इसके इंजन को थोड़ा ट्यून किया गया है और इसकी प्राइसिंग भी ड्यूक 125 से कम रखी गई है। बात करें अगर इसके लुक की, तो फ्रंट में आपको राउंड शिफ्ट की LED हेडलाइट दी गई है, साथ में ही आपको LED DRLs, LED इंडिकेटर्स और LED टेल लाइट भी देखने को मिलेगा। बाइक की सारी लाइटिंग सेटअप LED ही दी गई है। इसका लुक सेम हस्क्वर्ना की स्वाट पिलन 250 से सिमिलर देखने को मिलेगा। बाइक में आपको सेम डिजाइन, लाइटिंग सेटअप और इंस्ट्रूमेंटल कंसोल सेम दिया गया है। वहीं बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो बाइक के फ्रंट सेक्शन में आपको 43mm का USD फॉक्स देखने को मिलता है। वहीं रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर इसका 110x70x17 का रहने वाला है और रियर टायर इसका 150x60x17 का रहने वाला है। इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी शानदार रहने वाली है। फ्रंट में आपको 300mm का डिस्क पैड और रियर में 230mm का डिस्क पैड देखने को मिलेगा। बात करें इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1.45 लाख से 1.50 लाख तक का ऑन रोड देखने को मिलेगा, जो ड्यूक 125 से अप्रोक्स 20,000 तक का कम देखने को मिलेगा। हमारे लिस्ट की थर्ड बाइक है यामा FZS 125। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन और लुक की, तो पहले जो यामा की FZS सीरीज की वर्जन 2 आती थी, इसका लुक उसी के सिमिलर रहने वाला है। कंपनी इसमें बस कलर्स और ग्राफिक्स में चेंजेस करेगी। इसके हेडलाइट को भी कंपनी एक नया लुक देने वाली है। अगर फीचर्स की देखें तो हो सकता है कंपनी इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ऑफर करे, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें आपको CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिलेगा और इसके रियर में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलेगा, जो कि यामा की मोस्टली बाइक्स में ऑफर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर्स में आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम जैसे कई सारी बेसिक फंक्शन शो होगी। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर किया जाएगा, जो कि 125cc सेगमेंट में पहली बार किसी बाइक में आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का एग्जॉस्ट ऑफर किया जाएगा, जिसका साउंड काफी सही रहने वाला है। अब बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI एयर कूल्ड BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो 11 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 8000 RPM पे और 10 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 6000 RPM पे। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इसका टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक का देखने को मिल सकता है। इसमें आपको काफ़ी बेहतर एक्सेलरेशन ऑफर किया जाएगा। इसका मेनली कंपटीशन KTM की ड्यूक 125, बजाज की पल्सर 125 से होने वाला है। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगी और इसका माइलेज 50 to 60 किलोमीटर पर लीटर तक का रहने वाला है। यामा का इंजन काफ़ी रिफाइंड रहता है, तो ये बाइक डेली कम्यूटर राइड के लिए काफ़ी सही साबित हो सकता है।
फाइनली अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो इसका लॉन्च रेट एक्सपेक्टेड 2022 का है, क्योंकि अभी इसको लॉन्च करने में यहाँ टाइम लगी, तो आप चाहे तो इसका वेट कर सकते हैं। और इसका प्राइस 85,000 के अराउंड एक शोरूम देखने को मिलेगा, ऑन रोड आते आते इसका प्राइस 1,05,000 के पास पास देखने को मिल सकता है। हमारे लिस्ट की सेकेंड बाइक है बजाज पल्सर 125F। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेरी जरूर होगा कि जब बजाज की पल्सर 125 इंडिया में अवेलेबल है, फिर बजाज 125F को इंडिया में क्यों लॉन्च करेगी। तो आपको बता दूं, पल्सर 220 का क्रेज इंडिया में काफी हुज लेवल पे है, और अगर मार्केट में एक ही ब्रांड के दो ऑप्शंस अवेलेबल रहता है, तो कहीं ना कहीं बाइक के सेलिंग पे ये काफ़ी इफेक्ट डालता है। क्योंकि जब लोगों के पास एक ही सेगमेंट में एक ही कंपनी के दो ऑप्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं चूज़ करने के लिए। इससे बजाज की सेल आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ सकती है। यही रीज़न है कि बजाज पल्सर 125F को इंडिया में मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसका लुक बजाज की पल्सर 220F से सिमिलर देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको ग्राफिक्स और कलर्स बिल्कुल नए देखने को मिल जाता है। वहीं बाइक को 220F के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, जिससे कि बाइक अब और अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। ये बाइक 4 कलर्स में लॉन्च होगी, ब्लैक, रेड, ब्लू और व्हाइट। अब बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर FI एयर कूल 4 वॉल्व VS6 कॉम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 12 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 8500 RPM पे, और 11 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 6000 RPM पे। इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल सकता है, बट ये कन्फर्म नहीं है। अगर ABS नहीं मिलता है, तो उसके जगह पर आपको CBS ऑफर किया जाएगा। इसके इंजन पल्सर 125F से सिमिलर देखने को मिलेगी, बट इसमें आपको पल्सर के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल एक्सेलरेशन देखने को मिल जाता है। बाइक में आपको 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा पावर और टॉर्क देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इसके लुक और डायमेंशन की, तो इसका लुक 220F जैसा कि बेस्ट रहने वाला है। इसमें आपको लाइटिंग फीचर्स भी सारी 220F के सिमिलर ही देखने को मिलेगी। फ्रंट सेक्शन में आपको हैलोजन हेडलाइट, LED टेल लाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है। वहीं बाइक के रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट, स्प्लिट सीट, पिलन ग्रेवल देखने को मिलेगी। इस बाइक का लुक काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 805mm का सीट हाइट, 170mm की ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल रहा है। बाइक की ओवरऑल हाइट 1045mm का रहने वाला है। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगी, और इसका माइलेज 50-55 kmpl कंपनी क्लेम करती है। इसका टोटल कार्ब वेट 126.5 kg का है। ये बाइक काफ़ी लाइट वेट होने वाली है। अब बात करें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो इसमें आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिल रहा है, जो आपको सेम पल्सर 125 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक और फ्यूल गॉज सोएगी। फ्रंट में आपको 41mm का टेलीस्कोपिक फॉक्स विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट, और रियर में नाइट्रोक्स मोनो सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो ये बाइक फुल्ली इंस्पायर्ड रहने वाली है पल्सर 220F से। बात करें प्राइस और लॉन्च रेट की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस का 75,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा अगर ये बाइक इस प्राइस टैग के साथ लॉन्च होती है। तो ये तो फिक्स है, ये बाइक काफ़ी सेल होने वाली है। इसके लॉन्च रेट की देखें तो बजाज इस बाइक को 2021 के लास्ट मंथ तक लॉन्च कर देगा। अभी इसके लॉन्च रेट की कोई फिक्स डेट नहीं निकल के सामने आ रहा है, बट एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट इसका 2021 फेस्टिवल सीजन का माना जा रहा है। हमारे लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है बजाज डिस्कवर 125। जैसा कि आप सबको पता होगा, बीते कुछ दिनों में बजाज ने डिस्कवर के सारी मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी तक किसी भी मॉडल की BS6 वेरिएंट को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, बट बजाज ने इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं करा है कि आने वाले दिनों में अब डिस्कवर की कोई भी मॉडल इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके पीछे का ऐसा रीजन माना जा रहा है कि बजाज अपनी डिस्कवर को एक प्रॉपर अपडेट देने की तैयारी में है, और ये बाइक जल्द ही कई सारी चेंजेस के साथ लॉन्च होने वाली है। ये बाइक काफ़ी नए फीचर से लैस है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी की गई है। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में इसके लुक को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। बाइक का पहले से ज़्यादा बल्की और एग्रेसिव लुक के साथ लॉन्च होने वाली है। सबसे पहले बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI एयर कूल्ड DTSI BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो 13 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 9000 RPM पे, और 11 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 7000 RPM पे। इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ABS के जगह पे CBS देखने को मिलेगा। बाइक में आपको BS4 मॉडल के कंपैरिजन में काफी पावरफुल इंजन के साथ अच्छा खासा पावर भी जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। 125cc सेगमेंट के हिसाब से इसमें आपको काफी बेहतर एक्सेलरेशन ऑफर की जाएगी। इसका टॉप स्पीड 115 km/h तक का देखने को मिलेगी, और ये बाइक 0-60 km/h तक की स्पीड 6 सेकंड में पहुंच जाती है। अब बात करें इसके लुक और फीचर्स की, तो फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट ऑफर की जाएगी, जिसको एक साफ लुक दिया गया है, और इसके विंडशील्ड को भी पहले से छोटा किया गया है। इसमें आपको 5-spoke alloy wheels कंपनी की तरफ से ही ऑफर की जाने वाली है।
इसमें आपको रियर में ड्यूअल टोन एग्जॉस्ट सिस्टम मिलने वाला है, जिसके ऊपर के साइड में आपको एल्यूमिनियम वर्क देखने को मिलेगी। वहीं बैक लाइट भी हैलोजन दी जा रही है, BS4 मॉडल के सिमिलर ही रहने वाली है बैक लाइट इसकी। टैंक पे आपको एक काउल मिलने वाला है जो कि बाइक के लुक को और बल्कि बना रहा है। BS4 मॉडल में ये काउल नहीं ऑफर की जाती थी, बट BS6 मॉडल में ये काउल आपको कंपनी की तरफ से ही ऑफर की जाएगी। इसका इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर BS4 मॉडल के जैसा ही रहने वाला है, उसमें कंपनी कोई चेंजेस नहीं किया है। इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर इसमें सेमी डिजिटल दिया जाएगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज, गियर इंडिकेटर, टाइम जैसे ही कई सारी बेसिक फंक्शन शो होती है। अब बात करें इसके डायमेंशन की, तो इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। इसका ओवरऑल हाइट 1078 mm का रहने वाला है। इसमें आपको 10 लीटर के फ्यूल टैंक मिलेगी और इसका माइलेज 50-60 किलोमीटर पर लीटर तक का कंपनी क्लेम करती है। इसका कॉब वेट 125 किलोग्राम का है। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाएगा। अब बात करें फाइनली इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो बजाज इसकी प्राइस टैग को थोड़ा सा कमी रखने वाली है, जिससे कि बाइक अपनी कंपटीटर बाइक्स की सेल इजीली डाउन कर सके। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 80,000 से 85,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा और इसका लॉन्च रेट 2021 लास्ट का है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक के लिए वेट करेंगे और किस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।